मुनिदय के चरणों में शत शत नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं पहले अपनी नातिन का प्रश्न आपके सामने रखती हूँ, फिर अपना रखूँगी। महाराज जी, कल उसने पूछा, दादी आपको वहाँ कैसा लग रहा? उनका बहुत अच्छा लग रहा। और महाराज जी ने कहा कि क्यों घर में हो, सब छोड़ करके यहाँ आओ। तो महाराज जी, उसने जो पूछा, यद्यपि उत्तर हम दे तो सकते थे, लेकिन मोह के कारण हमने देना ठीक नहीं समझा, क्योंकि निर्भीकता नहीं आ पाती। उसने कहा, दादी महाराज जी से आप ये बोलना कि महाराज जी आपका तो कोई नहीं है, आगे पीछे परिवार फैमिली कोई भी नहीं है, लेकिन आपके तो सब लोग हैं, और इसलिए महाराज जी चले गए तो अच्छा, तो वो अपने जैसे आपको बनाना चाहते हैं, परंतु आपको तो सोचना चाहिए ना। और अभी आपकी उम्र को क्या है, कहती है 80-90 वर्ष के लोग घर छोड़ते हैं, आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हम महाराज जी के सामने ये बात रखते हैं। तो महाराज जी, आज सब लोग टीवी के सामने हैं, पुनः कृपया आप अपने आशीर्वाद के साथ इस प्रश्न का उसका समाधान कीजिए, फिर मैं अपना प्रश्न आपसे पूछती हूँ। देखो, बिटिया ने जो सवाल किया है, पहले तो मैं उसके सवाल के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि उसने बहुत साहसपूर्ण सवाल किया है, और एक बहुत बड़ा सवाल जो सबको सोचने के लिए बाध्य करेगा। अगर साधारण दृष्टि से देखा जाए तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि अभी घर छोड़ने की क्या जरूरत। अब मैं किसी को घर छोड़ने की बात भी नहीं करता, मैं तो सबको अपने घर में आने की प्रेरणा देता हूँ, अपने घर में आओ। पर घर में कहाँ रहो, कब तक रहोगे? हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने दायित्व को पूर्ण करने के बाद खुद के उत्तरदायित्व को निभाओ। अगर तुम्हारी संतान बड़ी हो गई, वो पाँव पर खड़ी हो गई, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, तो अब अपनी आत्मा के कल्याण की जो मूल जिम्मेदारी है उसको निभाओ। और ये भी तभी जब शरीर में सत्व है, तुम कुछ करने की स्थिति में हो। अब तुम 90 बरस की बात करते हो, क्या पता 90 बरस तक टिक पाओगे कि नहीं, और कदाचित 90 को छू भी लो तो खड़े रहने लायक भी हो पाओगे कि नहीं, पता नहीं। कई को देखते हैं अर्धमृतक सम बूढ़ापन होता है, दो आदमी पकड़ कर लाता है तब चल पाते हो। इसलिए समय रहते मनुष्य को अपने जीवन की राह बदलनी चाहिए, ये सोच कर कि जिसका कोई नहीं वो साधु बने, गलत। सच्चा साधु तो वही होता है जो सबके होने के बाद भी अपने साथ जुड़ता है, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी सब कुछ त्यागने की भावना है। इसलिए आपकी बिटिया ने जो कहा वो अपने हिसाब से सही कहा होगा, लेकिन बिटिया को समझाओ कि बेटे, जीवन का अंतिम लक्ष्य तो यही है। अगर कल्याण के मार्ग में लगना है तो हमें संसार की मोह माया से मुंह मोड़ना ही पड़ेगा। क्या पता तुम्हारी जिंदगी की शाम कब हो जाए, कौन सी श्वास तुम्हारी आखिरी श्वास बन जाए, कौन जानता है? एक पल का विश्वास नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं। मुझे एक सज्जन ने एक घटना सुनाई। वो मेरठ के एक व्यापारी मित्र के यहाँ गए, ये कटनी के जय कुमार जी सिंघई थे, उन्होंने मुझे आज से करीब 25 साल पहले बताया कि वो मेरठ के उनके एक व्यापारी मित्र थे, बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार था। उनके जब घर में गए, बड़ी कोठी थी, कोठी के दरवाजे पे लिखा था, आगाह अपनी मौत से कोई वसर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। क्योंकि वो खुद भी बड़े स्वाध्यायशील तत्वज्ञ और जिज्ञासु दार्शनिक प्रवृत्ति के थे, घर के मुख्य द्वार पर ये पंक्ति लिखी देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। किसी के घर में जाओ तो मंगल वाक्य लिखे होते हैं, स्वागतम सुस्वागतम अतिथि देवो भव शुभ लाभ, ये बैराग परत संदेश कैसे? उन्होंने पूछा ये क्यों, बोला ये मेरे जीवन के अनुभव का निचोड़ है। बोले क्या हुआ? बोले मेरे पिताजी ने आज से 30 वर्ष पहले, यानी आज से लगभग 55 साल पहले इस मकान को बनाया, बड़े जतन से बनाया, खुद खड़े होकर धूप में छत्ता लेकर खड़े हुए, उस जमाने में 30 लाख रुपए लगाया था उन्होंने, एक एक चीज बहुत सलीके से जमाया बनाया और उमंगों से भर कर गृह प्रवेश किया।
लेकिन क्या बताओ, जिस दिन गृह प्रवेश था, गृह प्रवेश किया, गृह प्रवेश की घड़ी में ही एक पैर अंदर और दूसरा पैर बाहर, दरवाजे पर ही ढेर हो गए, हार्ट फेल हो गया। लोगों ने कहा ये घर तुम्हारे लिए अशुभ है, तुम्हारे पिताजी चले गए। उन्होंने कहा नहीं, ये घर मेरे लिए शुभ है क्योंकि मुझे संसार की वास्तविकता दिखा दिया, इसलिए मैं लिखता हूँ, अगा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, इसलिए कल क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जाता, इस जिम्मेदारियाँ पूरी करो और आगे बढ़ो। और जो बोलते हमारा क्या होगा तो उनसे सवाल करो, हम दुनिया से चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, अपना अपना काम करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ।